ओम आज एक साई अनुभव, मंदिर। आज हमारे साथ वैशाली जी हैं जो अपना अनुभव सुनाएंगी, कैसे इन्हों को बाबा ने दर्शन दिए, कैसे कैसे वो बाबा से मिली और कैसा इनको अनुभव रहा कि बाबा के सब, जब उनको एहसास हुआ कि वो बाबा ही थे तो ये कैसा महसूस कर रही थी, आज वो सब अपने साथ रिवाइव करेंगी और हमें भी बताएंगी। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि मतलब आप कितनी छोटी सी उम्र, इतनी प्यारे से आप हो और इतने अच्छे अच्छे आपके अनुभव हैं, तो मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है आपके अनुभव सुनने के लिए। ओम सायराम, आइए, आपका स्वागत है। आप बताएं कि कैसे बाबा से आपका वो परिचय मिला, कैसे आपके घर में मानते थे, कैसा था आपका है? आपने बाबा को कैसे जाना? दीदी, अराउंड 2006 2007 की बात है, जब बाबा का प्रोग्राम आना शुरू हुआ आपकी था टीवी आवाज पर। नहीं आ रही है, एक सेकेंड। अब आ रही है, अब इस पोजीशन में हो गए तो ठीक आ गई। अच्छा, तो हाँ बाबा का प्रोग्राम आना शुरू हुआ था टीवी पर, तो तब से मैंने मतलब बाबा का शुरू किया देखना। तो जुड़ तो शायद मैं तभी गई थी बाबा से, लेकिन एक होता है ना कि सब कुछ बाबा हैं या सब कुछ वही है मेरे लिए, वो वाली कंडीशन अभी तक नहीं आई थी। फिर 2008 में वॉइस मेरे वॉइस गई आपकी, 2008 वॉइस में चली गई, वॉइस चली गई। अच्छा अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। तो 2008 में मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे 10th के। हाँ जी। उसके बाद अभी इन्हीं दिनों मतलब मई जून में जब गर्मी की छुट्टियां हुई, तब मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ शिरडी गई फर्स्ट टाइम। तो अब जैसे फर्स्ट टाइम था ना, तो सबसे पहले हम समाधि मंदिर ही गए बाबा के दर्शन के लिए। तो हमारी शाम की आरती थी, हाँ जी। तो हम लोग सब आरती में खड़े हुए थे। मुझे मतलब कुछ नहीं पता था कि द्वारका माई कैसी है, चावड़ी कैसी है बाबा की। मैं सबसे पहले समाधि मंदिर में ही गई बाबा के दर्शन करने, आरती लेने। तो हुआ यूं दीदी कि आरती करते करते ना मैं फेंट हो गई। फेंट हुई, मैं जमीन पे गिरी। आरती चल रही थी पर मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन एकदम से मेरे आगे ना एक ऐसा दृश्य आया जिसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बाबा से जोड़ दिया। मैं गिरी हुई थी और मैं देखती हूँ कि द्वारका माई, सबको पता ही होगा द्वारका माई में जैसे दो तीन सीढ़ी चढ़ के हम धूनी तक जाते हैं, हाँ जी। तो वो उन सीढ़ियों पे मैं गिरी हुई हूँ। और मंदिर में इतनी भीड़ है, सब लोग मेरे ऊपर से चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, किसी ने ये नहीं देखा कि कोई गिरा हुआ है। और मतलब मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी उस वक्त, क्योंकि लोग मेरे ऊपर से चढ़ चढ़ के जा रहे थे। और तभी धूनी में से बाबा आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस वो इंसिडेंट मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगी। और कभी भी मेरे पे कोई परेशानी आती है या मुझे कोई मुसीबत होती है, तो मैं कहती हूँ मेरे साथ मेरे बाबा खड़े हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो जो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा ना, उसी वक्त मुझे होश आया। मेरी कजन मुझे उठा रही थी उस वक्त मंदिर में कि अच्छा। प्रशाली उठ प्रशाली उठ, और मैं हाँ उठी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि अधिकतर जब लोग फेंट होते हैं ना तो आंखें बंद हो जाती हैं, तो बोली तेरी आंखें बंद नहीं थी, तेरी आंखें वाइड ओपन थी। मतलब ऐसे होता ना जैसे इंसान कोई बहुत चक्कर रह जाता है, ये क्या हुआ, हाँ वो मेरे साथ हुआ। आरती हो रही थी, आरती खत्म हुई, पंडित जी ने बाबा का जो जल होता है वो मेरे ऊपर छिड़का। और उस वक्त मैं एकदम ऐसे उठी कि मैं मतलब नींद से उठी हूँ जैसे। तो अरे वाह। बस उसी दिन से बाबा ने मेरे को अपना बना लिया अरे वाह, और मैं बहुत। बाबा की हो गई। वो दिन था और आज का दिन है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ मेरा बाबा मेरे साथ है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, तो बस और उस दिन से मैं जुड़ गई बाबा से। और बहुत ऐसे अनुभव हैं जो शायद हम रियलाइज भी नहीं करते, पर असलियत में वो बाबा ही हैं जो कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल। बहुत बहुत, और मैं यही चाहूंगी सबसे कि एक बार बस बाबा पे भी विश्वास करके रखो, जी बाबा खुद आएंगे आपको अपने बिल्कुल। साथ करने के अभी लिए। अभी आपने मुझे बताया आप शिरडी होके आई थी और आपके साथ एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ अभी, हाँ जी, हाँ जी, आप वो वो भी हुआ शेयर ही कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। है।
शायद द्वारका माई ना दीदी मेरे लिए बहुत लकी है शायद। पहले भी बाबा ने वही दर्शन दिए और हाँ जी इस बार भी ऐसा हुआ, मैं शिरडी गई दर्शन करे। काफी सालों से जा रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे नारियल का प्रसाद चढ़ता है। तो इस बार मेरे को एक वहाँ पे पंडित जी मिले, उन्होंने मुझे पूछा कि आपने द्वारका माई में नारियल का प्रसाद चढ़ाया? तो मैंने कहा नहीं पंडित जी, मुझे तो नहीं पता वहाँ नारियल का प्रसाद चढ़ता है। वो बोले नहीं, आप नारियल लाओ, मैं अंदर आपके लिए मतलब आपका प्रसाद चढ़वाऊंगा। तो मैंने नारियल खरीद के मैं उनके साथ अंदर गई, उन्होंने वो नारियल सीधा धूनी में डाल दिया और मेरे को एक अलग से नारियल दिया कि ये बाबा का प्रसाद है, आप घर लेके जाओ। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा. मैं बाहर आई दीदी, तो द्वारका माई में ना चौड़ी पैड़ी है, हाँ वहां जी. पे किसी को बैठने नहीं देते क्योंकि कहते हैं कि वहां बाबा बैठा करते थे। तो वहां पे ना एक सज्जन बैठे हुए थे, तो मैं बाबा से मतलब बस प्रार्थना कर रही थी कि बाबा बस रक्षा करो, मेरे साथ रहो। और ये करते करते ना बाबा से शायद प्यार इतना है कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो वो सज्जन बोले, बेटा कुछ नहीं है, सब अच्छा होगा, तू रो मत, सब बहुत अच्छा होगा। तो मैं उनको बोले जाती, अच्छा हाँ, सब अच्छा होगा, सब अच्छा। फिर उन्होंने ना एकदम से मुझे बोला, मैं ना किन्नर हूँ, और ये कह के उन्होंने आवाज मेरे सर को, आवाज हाँ, आवाज चली गई. उन्होंने मेरे को बोला कि मैं ना किन्नर हूँ, और ये कह के ना उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया। अब शायद एक साधारण इंसिडेंट है लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि वो मेरे बाबा थे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल. एकदम से कोई मेरे सामने आके ये बोले कुछ नहीं है बेटा सब ठीक होगा, कोई भी नहीं बोलेगा शायद ऐसे किसी नहीं भी नहीं अनजान व्यक्ति से। तो बिल्कुल वो मेरे बिल्कुल. बाबा ही थे, उन्होंने ही मुझे दोबारा से द्वारका माही में दर्शन दिए। और शिरडी जाने से 3 दिन पहले मेरे को ना सपना आया दीदी कि मैं ना एक बहुत खंडर सी बिल्डिंग में खड़ी हूँ, मेरे साथ 2 जने और हैं, उनको मैं नहीं जानती, वो कौन है कौन नहीं थे मुझे नहीं पता, और बाबा खड़े थे। बाबा ने एकदम से शोर मचाया, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। तो हम तीनों भागे बाहर की तरफ और अचानक से वो बिल्डिंग गिर गई। और बाहर निकलती मैंने कहा, बाबा बाबा आप कहाँ हो, बाबा आप कहाँ हो। उसी वक्त वो बाबा बाहर आए, एक उस पे स्ट्रेचर पे लेटे हुए। मैंने कहा, बाबा क्या हुआ? तो बोले, कुछ नहीं है बेटा, सब ठीक है, तू चिंता मत कर। और वो ही शब्द उन्होंने मुझे मंदिर में उस सज्जन द्वारा उन्होंने बोला। बस वो मेरे लिए वो उस वक्त ऐसा था कि ये तो साक्षात बाबा ही हैं जिन्होंने मुझे दोबारा दर्शन दिए। बिल्कुल. और बहुत मतलब उस वक्त मैं कुछ शायद बोल नहीं पाई, या उस वक्त मेरे दिमाग में भी नहीं आई ये बात कि ये बाबा थे। बिल्कुल जब मैं बिल्कुल. मंदिर से निकल गई तब मुझे ध्यान आया कि अरे वो तो बाबा थे। जी अरे क्योंकि बाबा सिर्फ एहसास दिलाते हैं शायद, है ना. जी और मेरी शादी हुई दीदी, तो यहाँ पे ना श्याम बाबा की थोड़ी मान्यता है, यहाँ पे श्याम बाबा को बहुत मानते हैं। तो साईं बाबा का इतना नहीं, कोई मतलब इतनी मानता नहीं है किसी को। तो मैं ना अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है, इसी तरह मैं किसी का अनुभव सुन रही थी टीवी पे, तो मेरे दिमाग में ना दीदी ये बात, मैं बाबा को घर ला सकती, उनकी सेवा कर सकती, पर शायद यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक आप भी मानते हो कि घर में लाओगे तो आपको उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल भोग भी बिल्कुल. लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पर शायद अकेले से मैं नहीं कर पाऊँ। तो ये बस दीदी एक दिमाग में ना बात आई कि मैं शायद बाबा को ले आऊं, फिर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं बाबा को ला के परेशान नहीं कर सकती। फिर मैं अपने बेटे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ ना थोड़े दिन के लिए बाहर घूमने चली गई। तो दीदी वहां पे ना सारे कहाँ से जाने हैं? मेरे ब्रदर का फोन आया कि तेरे पास बाबा की मूर्ति नहीं है? तो मैंने कहा है, वो जो तूने साई संध्या में एक छोटी सी बाबा की हांडी बनाते हुए मूर्ति थी वो ही है मेरे पास। कहते हैं कि जो बाबा की रियल मूर्ति है, मतलब जो बैठे हुए मूर्ति है, वो नहीं आपके तेरे पास? तो मैंने कहा नहीं वो नहीं। तो
जो उसने उसके बाद बोला ना दीदी, वो मेरे लिए सब कुछ था उस वक्त। उन्होंने मुझे बोला, सीमा दीदी का फोन आया है और उन्होंने मेरे से कहा है, मेरी रसोई में जो बाबा रखे हुए हैं, उन बाबा ने मेरे से कहा है कि मुझे कृष्ण के घर जाना है, कृष्ण मेरा बेटा है, अच्छा वो भी बाबा को बहुत मानता है, तो उन्होंने कहा मुझे कृष्ण के घर जाना है, तू मुझे उसके घर छोड़ के आ। जब उसने मेरे को ये बात बोली, मैं आपको बता नहीं सकती, उस वक्त मैं इतना रोई इतना रोई। मेरे हस्बैंड बोले बिल्कुल क्या हो गया, तो मैंने कहा सब कुछ आ गया मेरे घर में, सब कुछ आ गया, अब बिल्कुल और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाबा तो बाबा आ जाए तो इसके बाद तो चाहिए ही क्या मतलब मैं घबरा रही थी कि मैं नहीं ला सकती बाबा को, मैं उनकी बिल्कुल सेवा नहीं, वो खुद ही आ गए, बिल्कुल मैं खुद जाऊंगा ना तो ये करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। और ये प्यारा सा बेटा आपका जो इसको अपनी मम्मी के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। तो बस दीदी, मेरे बाबा मेरे घर आ गए, उससे बड़ी कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल बात बिल्कुल, नहीं मेरे लिए। बहुत बहुत ही सुंदर आपका अनुभव, बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है आपके। और हाँ मैं जी, चाहती हूँ कि बाबा ना ऐसे ही आपके श्रद्धा और विश्वास को ना बढ़ाते रहें। तो आप चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए भी कोई संदेश दीजिएगा प्लीज। मैं बस यही कहूंगी सबसे कि एक बार बस हाँ बाबा पे विश्वास करो, वो कभी निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल जो मांगोगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे जैसा मर्जी, वो देंगे, और वही देंगे जो मेरे आपके को हित में लगता हो। है आपके जो ये शब्द हैं इनको ना इस भजन में बहुत अच्छे से पिरोया है, साईं से जाके मांग ले, सच्चा हजूर है, खाली नहीं लौटाएगा, देता जरूर। बिल्कुल 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 दीदी, मेरे बिल्कुल साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कुछ मांगा और बाबा ने मुझे नहीं दिया। चाहे छोटी सी, आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जब मेरा रिश्ता हुआ था ना दीदी, तो मेरी अरेंज मैरिज है, तो मेरे ना जैसे जो सबसे बड़े ताऊ जी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं ज़्यादा देर रिश्ता नहीं रोकूंगा। मेरा 23 अप्रैल को रिश्ता हुआ, उन्होंने कहा मैं 8 मई को शादी कर दूंगा, अरे इससे ज़्यादा वाह। टाइम मैं नहीं रुकूंगा। मैंने बाबा से कहा नहीं बाबा, मेरे को कम से कम 6 महीने चाहिए ताकि मैं जिसके साथ जुड़ रही हूँ उसको जान तो लूँ, पहचान तो लूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा करोगे वो मंजूर है। दीदी बाबा ने ऐसी चरखी चलाई, यहाँ पे जब बात हुई शादी की, तो ये आया कि मेरे हस्बैंड की पत्री में ये था कि नवंबर से पहले शादी हो ही नहीं सकती। अरे तो बस वो सब कुछ, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, नहीं सब बिल्कुल कुछ बाबा के देन है मेरी लाइफ में। बिल्कुल, विश्वास ही है ये कि भाई हाँ आप जी, विश्वास करते हैं ना कि मेरा सब बाबा करते हैं। लोगों को शायद ये चमत्कार लगे ना, लेकिन हम बाबा पे इतना विश्वास करते हैं कि हमारी बात हमने कहा उन्होंने मानी, उन्होंने तो ये सुन ली, हमें तो वो उन्होंने चमत्कार दिया ही दिखता है, मतलब वो हमारा बस। विश्वास दिखता है। मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि जब हम कह देते हैं और बाबा मान लेते हैं, और नहीं मानते तो गुस्सा भी कर लेते हैं ऐसा। लेकिन हाँ वो तो कभी हमने बाबा को, दीदी गुरु हैं, भगवान हैं, वो सब सबको पता है, लेकिन कभी कोई चीज होती है ना, मैंने मांगी और मुझे कुछ देर के लिए नहीं मिली, तो मैं कहती हूँ क्या बाबा क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो हक भी है हमारा उन पर, और बिल्कुल उन्होंने हमें ये छूट दे रखी है कि हक से मांगो बिल्कुल बस। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, आपका बेटा भी बहुत प्यारा है, बाबा उसको थैंक हमेशा ब्लेस करें, आपको भी बहुत बहुत यू ब्लेसिंग्स दीदी, हैं। मुझे मेरे अनुभव बताने के लिए आपने मुझे अपने से जोड़ा, बिल्कुल, और बाबा मैं चाहे तो सभी मैं सभी चाहूंगी लोगों से आपके इससे भी कहूंगी अच्छे अनुभव हो, इससे भी ज्यादा सुंदर अनुभव हो, आप फिर से मेरे चैनल पर आए और अपना अनुभव मेरे बिल्कुल साथ शेयर करें, और बिल्कुल अपने दीदी। अपने दोस्तों से भी बोले कि चाहे हाँ वो जी, किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी को भी, और मैं दर्शकों से भी ये कहती हूँ कि वो भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ये चेन टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि एक का विश्वास दूसरे का विश्वास बन ही जाता है, टाइम बिल्कुल लगता है बिल्कुल लेकिन बन जाता है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों का विश्वास हमारे साथ ऐसा ही बना रहे, ऐसे ही आप हमें आपको पकड़ो। गाना भजन, हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, आओ आओ मम्मा के साथ गाएंगे, आओ। सुनो, वेरी गुड। चलो गाओ, फिर माना नहीं है बाबा, फिर बाबा आएंगे। अभी जब एक छोटा सा और अनुभव है दीदी, जब मैं शिरडी जा रही थी,
अभी लास्ट वीक, तो मैंने इससे पूछा कृष्ण तू क्या मांगेगा बाबा से, तो इसने मुझे ना एक ऐसी बात बोली जो एक होते ना बच्चे में ही नादानी है शायद, कहते हैं मम्मा मैं सिर्फ बाबा से ये कहूंगा कि मुझे रियल में मिल जाओ। अरे वाह बहुत सुंदर। और मुझे उम्मीद है, मुझे पक्का पता है आज नहीं तो कल बाबा इसको जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके रूप में बाबा मिले ही हुए हैं उसको ये पहचान लग गया है दिन के आपके रूप में यार, तो मिले ही है। थोड़ा ध्यान लगा गए ये जमीन पे मिले हाँ यहाँ पर मिले हाँ यहीं पर मिलेंगे। चलो अब गाए, चलो स्टार्ट करो आप। चल आप गाओगे फिर मम्मा के साथ। चल थोड़ा ध्यान लगा, अब वॉइस नहीं आ रही आपकी, गाओ। थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे, लगा थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे, से लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा। ओम साई राम दीदी। ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।